ये हैं आपके दोस्त, अच्छे वाले गुड फ्रेंड्स हैं आपके, ठीक है भाई साहब। यहां पे वो कहते हैं कि डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैटिस जनरल थे, और जिम मैटिस ये चाहते थे कि $150 मिलियन की आर्मर्ड व्हीकल्स पाकिस्तान को दी जाएं एड पैकेज में, मतलब कि फ्री में। आप पाकिस्तान खरीद नहीं रहा, पैसे एक रुपए नहीं दे रहा, $1 नहीं दे रहा, गिफ्ट $150 मिलियन की आर्मर्ड व्हीकल्स हम दे दें। ट्रंप ने मना करा, कहते हैं जब मैकमास्टर, जिन्होंने किताब लिखी है, जब मैकमास्टर को यह पता लगा कि मैटिस का क्या प्लान है, इसने एक मीटिंग बुलवाई जनरल मैकमास्टर ने, जहां पर ट्रंप ने क्लियरली बोल दिया आई डू नॉट वॉन्ट एनी मनी गोइंग टू पाकिस्तान। आप व्हाइट हाउस के अंदर देखिए क्या पॉलिटिक्स चल रही है। एक जनरल है जो कि डिफेंस सेक्रेटरी है, यानी कि वहां का डिफेंस मिनिस्टर, वो चाह रहा है पाकिस्तान को एड दो। राष्ट्रपति जो है वो कह रहा है मना, लेकिन फिर भी वो कोने में निकाल रहा है किसी तरीके से मैं पाकिस्तान को पैसा दे दूं। वहां पे पाकिस्तानी प्रेमी बैठे हुए हैं, राइट। वो कहता है कि नहीं, मैं तो दूंगा, वहां पे एड दूंगा। तो मैटिस वॉज रिलक्टेंट ऑन हॉल्टिंग एड। उस मीटिंग में भी ट्रंप के साथ मैटिस ने बहस करी, ये मैकमास्टर कह रहा है, जनरल मैकमास्टर अपनी किताब में बता रहा है कि मैटिस ने बहस करी। मैटिस ने बोला कि नहीं, वो रिलक्टेंट था कि नहीं साहब हमें दे देनी चाहिए, उनको एड दे देनी चाहिए। जब ट्रंप को लगा कि ये बंदा जो है ना कुछ मेरे पीछे, मैं राष्ट्रपति हूं अमेरिका का, लेकिन मेरे पीछे बंदा गेम कर जाएगा, ट्रंप को लगा। और जैसे ट्रंप को लगा कि ये बंदा मेरे पीछे गेम कर जाएगा, ट्रंप ने ट्वीट करा। दोस्तों ये ट्वीट आपके सामने, बड़ा हिस्टोरिकल ट्वीट है ट्रंप का। ट्रंप इस ट्वीट में लिखता है, देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज फूलिशली गिवन पाकिस्तान मोर देन $33 बिलियन इन एड ओवर द लास्ट 15 years एंड दे हैव गिवन अस नथिंग बट लाइज, डिसीट एंड थिंकिंग ऑफ आवर लीडर्स एज फूल्स। दे गिव सेफ हेवन टू द टेररिस्ट वी हंट इन अफगानिस्तान विद लिटिल हेल्प, नो मोर। ये 1st of January 2018 है कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के अंदर भी गेम था, वहां पे भी पॉलिटिक्स थी। जनरल मैटिस चाहता था कि पाकिस्तान को मदद करो, अपने राष्ट्रपति के हुक्म के खिलाफ जाके, इसीलिए ट्रंप ने खुलेआम ट्वीट कर दिया। अब एक बार खुलेआम आपने ट्वीट कर दिया तो यानी कि फिर तो यू नो द कैट इज आउट ऑफ द बैग। इसके बाद अगर कोई करता फिर तो वो सीधा फिर जेल जाने वाली बात थी, कि एक बार उसने बोल दिया कि साहब नहीं होगा तो नहीं होगा, बोल दिया। तो यह सब गेम चलता है, पाकिस्तान ने उठाया भरपूर फायदा उठाया। दोस्तों कहना नहीं चाहिए, कड़वी बात है लेकिन समझने वाली बात है। दोस्तों 1947 कश्मीर, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करा और हमने क्या किया? नथिंग। 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। 1999 कारगिल, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ मैच्योर नेशन एंड वी मस्ट कीप ऑन एंगेजिंग विद पाकिस्तान। यहां पे कई लोगों की यह भी दिमागी बीमारी आज की तारीख में भी है दोस्तों, वो लॉबी छटपटा रही है। पाकिस्तानी प्रेमी यहां पे बहुत ज्यादा है, भारत में बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जो इन्होंने अनइंटरप्टेड डायलॉग के बारे में बात करी ना, बड़े बड़े देश कैसे गेम खेलते हैं यह भी जानना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मेजर पावर्स प्ले अ पार्ट। अब अमेरिका में ट्रंप ने बोल दिया, जब ट्रंप की सरकार थी तो ट्रंप ने यह बोला कि साहब हम पाकिस्तान को कोई एड नहीं देंगे, आई डोंट वॉन्ट एनी मनी गोइंग टू पाकिस्तान। ट्रंप के अंडर कुछ जनरल्स थे जो गेम खेलना चाह रहे थे, जो पाकिस्तान के सगे थे। दोस्तों पाकिस्तान की फौज और अमेरिका की फौज, इसकी साठगांठ बहुत पुरानी है, इनकी बड़ी यारी दोस्तियां हैं, ये एक दूसरे के साथ चलते भी हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं, और जितने भी अमेरिकन जनरल्स हैं उनकी पाकिस्तानी जनरल्स के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। फिर अमेरिका पाकिस्तान को पैसे क्यों दे रहा है? दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में ना कई बार कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को मैनेज करना पड़ता है। आपको क्या लगता है अमेरिका आपका दोस्त है? आपको क्या लगता है कि कम से कम दोस्तों अब तो मेजर घोरवारियों को पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी के बहुत ज्यादा ताल्लुकात हैं अमेरिकन आर्मी के साथ, तो दोस्तों ये होने भी चाहिए, क्योंकि आपको अगर ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करना है तो आपको उनके साथ ताल्लुकात रखने पड़ते हैं, जो इस वक्त ग्लोबल पावर्स हैं जिनमें चाइना और अमेरिका है। पाकिस्तान आर्मी के लिए ये बहुत जरूरी है। और जब दोस्तों ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की बात कर रहा था तो वहां पर व्हाइट हाउस में तो उसे काफी लोग ऐसे मिल गए, क्योंकि आपको पता है कि व्हाइट हाउस में भारत का काफी दबदबा है। वो उस वक्त ट्रंप को इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पर पेंटागन में पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफी काम किया। और यहाँ पर खुद मेजर घोरवारिया भी कह रहा है कि पाकिस्तान के हक में जनरल पाकिस्तान को $150 मिलियन दे रहे थे ताकि पाकिस्तान वहाँ पर जाकर वेपन खरीद सके, वेपन व्हीकल खरीद सके, इतनी पाकिस्तान की वहाँ पर पावर है, और ये बात ये खुद ही मान रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा वैसा है, पाकिस्तान के पास खाने को कोई नहीं है, लेकिन फिर एकदम मैंने
ख्याल आता है, हम तो ऐसा ही करते रहे तो हमारे तो दोस्तों ऑडियंस ही खत्म हो जाएगी, कोई देखेगा ही नहीं, एक ही बात आप रोज नहीं कर सकते। इन्होंने पाकिस्तान की ये करते हैं कि ताकत बताते हैं, फिर पाकिस्तान की बुराई करते हैं, फिर अपना काम ये चलाते रहते हैं। देखा जाए तो दोस्तों जितना ये अपना ढंढोरा पीटते हैं, कहते हैं कि हमारे भारत का विश्व में ढंका बज रहा है, तो वो सब की सब बातें गलत हो जाती हैं। इनके पास जितने भी वेपन है, रशियन वेपन, वो भी अगर देख लें तो वो भी ऐसे वेपन है जिनमें दोस्तों चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल हुई है। अभी अभी दोस्तों भारत से भी ये खबर आई है कि इनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं उन सब में चाइनीज पार्ट्स लगे हैं। तो आप खुद सोच लें कि ये रशिया से वेपन लेकर क्या ये अपने आप को इतना बड़ा तीसमार खान समझते हैं। पाकिस्तान की पावर का अंदाजा इन सबको है, लेकिन ये हमेशा जुटलाते रहते हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान ने हमला किया। पाकिस्तान ने कभी कश्मीर पर हमला नहीं किया था, आपके लिए ही डोगरा राज हरि सिंह ने आपको कश्मीर दे दिया, तो पाकिस्तान अपना इलाका कैसे आपको दे दे। पाकिस्तान ने ठोक कर आपसे आधा कश्मीर ले लिया था। 1965 की जंग में आपने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया, ना कि पाकिस्तान आप पर हमला किया। 1971 का आप जिक्र ही नहीं कर रहे, जहां पर आपने पूरी की पूरी आर्मी पाकिस्तान का एक इलाका अलग करने के लिए उतार दी। अब तो पाकिस्तान पर आप घिला ना करें कि पाकिस्तान अगर खालिस्तान को आपसे अलग करने की कोशिश करे या फिर नागालैंड, मणिपुर, किसी की भी जगह पाकिस्तान कहता है कि वो अलग हो जाए, वो तो पाकिस्तान का राइट है, क्योंकि आपने बांग्लादेश बना दिया है, वो आपने जो करना था वो कर दिया है, आपने पाकिस्तान के लिए रास्ते खोल दिए हैं, हम अब जो करेंगे वो आपको दो टुकड़े करेंगे। दूसरा ये कह रहे हैं कि कारगिल में, कारगिल वो दोस्तों पाकिस्तानी इलाका है जिस पर इन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है, तो वहां पर भी पाकिस्तान आर्मी अगर ऑपरेशन करती है, कारगिल की जंग होती है, तो वो हम अपना इलाका वापस लेने के लिए करते हैं। वो तो दोस्तों उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने पीछे हटकर पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान दिया था, जबकि पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया का बहुत बड़ा इलाका कब्जा कर लिया था।